नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे हम लोग टेक्निकल एग्ज़ाम से रिलेटेड कोर्सेस को देख रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं। कुछ बातें जो आपको तैयारी में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी एग्ज़ाम जो है ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता है। ऐसा लोगों के मन में या विद्यार्थियों के मन में इस तरह का कंसेप्ट भरे जाते हैं कि भाई ईएस का एग्ज़ाम बहुत हार्ड है या गेट का एग्ज़ाम बहुत हार्ड है। तो मैं आपको एक मिनट के लिए अपनी सलाह देना चाहूँगा कि किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए आप सबसे पहले ये एनालिसिस कीजिए कि उनका जो टॉपिक्स हैं उसमें वो क्या क्या है, और टॉपिक्स के अलावा आपको इस चीज़ का अध्ययन करना चाहिए कि पिछले के वर्षों में किस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसका ज़रूर अध्ययन कीजिए और फिर आप अपनी तैयारी में लगिए, अपना पूरा समय तैयारी को दीजिए और थोड़ा सा भी डाइवर्ट मत करिए अपने आप को, तो फिर आप देखेंगे कि बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और आपको इस चैनल से इस संबंध में बार बार इस तरह का सामग्री आपको मैं दूंगा और आपको फ़ायदे होंगे। आपको जो भी यहाँ पर आपको मिलेगा वो हर एक टेक्निकल एग्ज़ाम्स के लिए जो कोर्सेस होंगे वो सबके लिए इक्वली वेटेज रखेगा। ऐसा नहीं कि आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सिर्फ गेट से रिलेटेड होगा या ईएस से रिलेटेड होगा या एसएससी जेई से रिलेटेड होगा। आप जब हमारे कंटेंट का अध्ययन करेंगे आप पाएंगे कि किसी भी एग्ज़ाम्स में पूछे गए प्रश्न को आप इस कंटेंट के सहायता से सरल कर सकते हैं और आसानी से आप उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब करिए, लोगों के बीच में बातें करिए हमारे चैनल से संबंध में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराइए ताकि मैं लगातार आपको अपना कंटेंट दे पाऊँ। और फिर जब कंटेंट पूरा होगा तो फिर टेस्ट सीरीज और ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको लगातार ऑनलाइन के माध्यम से प्रोवाइड करता रहूँगा। तो अभी हम लोग देख रहे हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में हम लोग देख रहे हैं केमिकल करेक्टरिस्टिक्स। इसके 2-3-4 वीडियो आपको मिल चुका है। और आज जो हमारा टॉपिक होगा, इसके प्रीवियस टॉपिक में हमने क्या बताया था आपको, आपको बताया था एल्कलिनिटी एंड हार्डनेस, और उससे संबंधित प्रश्नों का आप अध्ययन कर रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बन जा रहे होंगे। आज जो हमारा टॉपिक होगा इसमें हम लोग कुछ और आगे बढ़ेंगे केमिकल करेक्टरिस्टिक्स में ही। तो हम लोग आज सबसे पहले बात करेंगे क्लोराइड कंटेंट का। हम लोग चूँकि केमिकल करेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं तो हमारा पहला बात होगा क्लोराइड कंटेंट। क्लोराइड कंटेंट क्या है और इसके होने से क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट हो सकता है। एक्चुअली क्लोराइड कंटेंट जहाँ भी मिले तो आपको समझना चाहिए कि उस वेस्ट में या फिर जो आप जहाँ से वाटर ले रहे हैं वहाँ पर किसी न किसी प्रकार से इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट जा रहा है। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट के वजह से ही क्लोराइड का कंटेंट किसी सीवेज या वाटर बॉडीज में बढ़ता है जनरली। तो आप देखेंगे क्या, आप देखेंगे क्या कि आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि इंडस्ट्रियल सीवेज यहाँ आ रहा होगा। इंडस्ट्रियल सीवेज अगर मिल रहा है तो आप समझिए कि क्लोराइड कंटेंट बढ़ सकता है। डोमेस्टिक सीवेज से भी आएगा, ऐसा नहीं कि डोमेस्टिक सीवेज से नहीं आएगा, डोमेस्टिक सीवेज से भी ये आपको प्राप्त होंगे। इसके अलावा जो आप सी के आसपास के इलाके में जाएंगे आप, तो मैरीन वाटर के वजह से भी ये क्लोराइड कंटेंट बढ़ सकता है। तो मैरीन एरिया में भी आपका क्लोराइड कंटेंट बढ़ेगा मैरीन एरिया में। साथ ही साथ अगर लीचिंग हो रहा है कहीं या फिर जो सरफेस पे फ्लो होकर आ रहा है उस एरिया में ऐसा कंटेंट जोन है जहाँ पर क्लोराइड या ऐसा कुछ केमिकल्स मिल रहे हैं तो वो वाटर के साथ फ्लो करके भी वाटर बॉडी में आता है। लेकिन मेन सोर्स अगर आप देखेंगे तो ये इंडस्ट्रियल सीवेज है और ये जो है आपको रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनिक सीवेज में जनरली ये मिलता है। ठीक है, डोमेस्टिक सीवेज में क्या है, डोमेस्टिक सीवेज में अगर हम लोग क्लोराइड कंटेंट का बात करते हैं, क्लोराइड कंटेंट में मेनली हम लोग बात करते हैं कि क्लोराइड कंटेंट में सोडियम क्लोराइड का बात करते हैं, है ना। क्लोराइड बहुत सारा हो सकता है बट सोडियम क्लोराइड दिस इज़ द चीप सोर्स ऑफ क्लोराइड कंटेंट। सोडियम क्लोराइड जो होगा ये सबसे प्रमुख सोर्सेस में माना जाएगा क्योंकि यही सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो अब डोमेस्टिक सीवेज का बात करेंगे
तो डोमेस्टिक सीवेज में आपको NaCl आने का संभावना कहाँ से है? तो NaCl मतलब आपका कॉमन सॉल्ट हो गया। तो कॉमन सॉल्ट ऐसा नहीं कि आप वाटर में बहाते रहेंगे या फेंकते रहेंगे आप। तो आपका जो यहाँ डोमेस्टिक सीवेज में आएगा ये एक्चुअली ह्यूमन यूरिन के माध्यम से मिलेगा। ह्यूमन यूरिन के माध्यम से ये क्लोराइड कंटेंट आपके सीवेज में जाएगा और सीवेज से लास्टली वाटर बॉडीज में जाएगा अगर आपका डोमेस्टिक सीवेज को ट्रीट नहीं किया गया तो। तो ह्यूमन यूरिन के माध्यम से मिलेगा। जनरली एक आदमी जब यूरिन छोड़ता है तो उसमें 1% क्लोराइड कंटेंट होता है। कोई भी एक आदमी अगर एक्सट्रैक्ट करता है यूरिन अपना तो उसके टोटल अमाउंट जो यूरिन जितना वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है उसमें से 1% क्लोराइड होने की संभावना बनी रहती है। तो ये इसका सोर्स हो गया। अब देखिए इसके आने से क्या होगा, क्लोराइड कंटेंट वाटर में आने से क्या होता है, अगर इसका कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है 250 mg/L मतलब 250 ppm से बढ़ जाता है इसका कंटेंट, तो क्या होता है कि आपका जो टेस्ट होता है वो सॉल्टी टेस्ट हो जाता है, सॉल्टी टेस्ट हो जाता है, सॉल्टी टेस्ट हो जाता है। तो ये सॉल्टी टेस्ट कब होगा, जब हमारा कंसंट्रेशन जो होगा ये मोर देन 250 ppm हो जाएगा। अगर 250 ppm से ज़्यादा ये इसका कंसंट्रेशन क्लोराइड कंटेंट का कंसंट्रेशन बढ़ता है वाटर में तो आपका टेस्ट को आप नोटिस करेंगे कि वो सॉल्टी हो जाएगा। और जनरली आप सी वाटर में देखते हैं जहाँ कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है तो वाटर आपको सॉल्टी मिलता है, तो ये आपको टेस्ट जो है ख़राब करता है वाटर का, इसलिए इसको रिमूव करना ज़रूरी है। साथ ही साथ ये इंडस्ट्रियल सीवेज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए भी इसको ट्रीट करना ज़रूरी है। और इससे अगर हार्मफुल इफ़ेक्ट देखें हम लोग तो ये बहुत ज़्यादा हार्म तो नहीं करता बट कार्डिक पेशेंट के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कार्डिक पेशेंट पेशेंट कार्डिक पेशेंट जो होगा उसके सिचुएशन में अगर आप क्लोराइड कंटेंट बहुत ज़्यादा रखते हैं या फिर सोडियम कंटेंट भी अगर बढ़ जाता है तो भी कार्डिक पेशेंट को प्रॉब्लम होता है। तो अगर ह्यूमन पे इफेक्ट देखें तो इसमें उन लोगों को ज़्यादा इफेक्ट होता है जो कार्डिक पेशेंट है, मतलब जिनको हार्ट की बीमारी है, इस तरह के लोगों को क्लोराइड कंटेंट नहीं मिलना चाहिए पानी में। अब देखिए इसका हम लोग मेजरमेंट कैसे करेंगे, अगर हम लोग इसका मेजरमेंट देखेंगे हम लोग तो मेजरमेंट आपको क्या है, इसमें क्या करते हैं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को हम लोग टाइट्रेट करते हैं, है ना। जो सीवेज आपका जो सॉरी वाटर है उस वाटर को हम लोग सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ मिक्स करके टाइट्रेट करते हैं। टाइट्रेशन आप पढ़े ही होंगे कि टाइट्रेशन क्या होता है, और इसमें एक इंडिकेटर का यूज़ किया जाता है। तो सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्रोमेट को एज ए इंडिकेटर यूज किया जाता है, इंडिकेटर यूज किया जाता है। मैंने क्या बोला कि इसका मेजरमेंट करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को टाइट्रेट करते हैं और पोटेशियम क्रोमेट को एक इंडिकेटर के रूप में रखते हैं। और टाइट्रेशन आप अपने क्लासेस में पहले ही केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। इसका अगर रेंजेस देखें हम लोग तो इसका रेंज जो है जनरली वेरी करता है क्या, दैट शुड नॉट बी लेस देन शुड नॉट बी मोर देन शुड नॉट बी मोर देन मोर देन 250 ppm 250 ppm से इसका ज़्यादा कंटेंट नहीं होना चाहिए। दिस वॉज द क्लोराइड कंटेंट। क्लोराइड कंटेंट छोटा सा टॉपिक है, ये आप समझ गए होंगे क्लोराइड कंटेंट है क्या। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारा होगा सेकेंड टॉपिक जो होगा दैट इज नाइट्रोजन कंटेंट। नाइट्रोजन कंटेंट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं यहाँ पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नाइट्रोजन कंटेंट। ये केमिकल करेक्टरिस्टिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है। नाइट्रोजन कंटेंट एक्चुअली क्या है, नाइट्रोजन पार्टिकुलर नाइट्रोजन के फॉर्म में कहीं नहीं मिलता है ना, ये डिफरेंट फॉर्म में मिलता है। एक मतलब आप कहेंगे कि सिर्फ नाइट्रोजन मिलेगा ऐसा आपको जनरली नहीं मिलता है,
तो नाइट्रोजन मिलता क्या है, इसका डिफरेंट फॉर्म देखें, अगर हम लोग इसका फॉर्म देखें, अलग अलग फॉर्म में मिलता है आपको, मिलता है फ्री अमोनिया, या इसको हम लोग अमोनियम नाइट्रोजन भी कहते हैं, अमोनियम नाइट्रोजन भी हम लोग कहते हैं। दूसरा फॉर्म है ऑर्गेनिक अमोनिया, ठीक है, और इसको बोलते हैं एल्बुमोनाइट नाइट्रोजन। दिस इज द सेकेंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म इज नाइट्राइट्स एंड फोर्थ फॉर्म इज नाइट्रेट। मैं क्या कह रहा हूँ कि नाइट्रोजन जो है आपको कभी भी वाटर बॉडी में या वाटर में, पॉल्यूटेड वाटर में, नाइट्रोजन के फॉर्म में नाइट्रोजन नहीं मिलता है। नाइट्रोजन अपने पर्टिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये चार फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट फॉर्म इज फ्री अमोनिया, सेकेंड इज ऑर्गेनिक अमोनिया, थर्ड इज नाइट्राइट्स एंड फोर्थ इज नाइट्रेट। ठीक है, ये चार फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इन चारों का अपना अलग अलग कंसेप्ट है, अलग अलग चीज़ें हैं, समझना है हम लोगों को। फ्री अमोनिया जहाँ पर भी आपको मिलता है वाटर में, ये रिप्रेजेंट करता है रिसेंट पॉल्यूशन को, या रिसेंटली पॉल्यूटेड होगा, मतलब जो बॉडी है आपका, वो बॉडी, वाटर बॉडी जो है, तुरंत अभी पॉल्यूटेड हुआ है, यानी फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है ना, मतलब इसको कह सकते हैं रिसेंट पॉल्यूशन, हम लोग कह सकते हैं दिस इज द रिसेंट पॉल्यूशन। मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि अभी हमने जो सीवेज या जो भी जिस माध्यम से भी ये नाइट्रोजन आ रहा है वो तुरंत वाटर में गया है, सो दिस रिप्रेजेंट द रिसेंट पॉल्यूशन। सेकेंड है ऑर्गेनिक अमोनिया, ये रिप्रेजेंट करता है अनडिकम्पोज्ड, मतलब डिकम्पोज नहीं हुआ है, अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, ओके, दिस रिप्रेजेंट अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। नाइट्रेट्स रिप्रेजेंट पार्शली डिकम्पोज या पार्टली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, ओके, ऑर्गेनिक मैटर। और नाइट्रेट जो है ये रिप्रेजेंट करता है फुल्ली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। मीन्स कहने का मतलब ये है कि आप सभी जगह देखिए, ये रिसेंटली पॉल्यूशन, मतलब यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मीन्स ऑर्गेनिक मैटर का फर्स्ट स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन चारों से आपको क्या मिल रहा है, आप पहले देखिए, नाइट्रोजन चार फॉर्म में एग्जिस्ट किया, फ्री अमोनिया रिप्रेजेंट रिसेंट पॉल्यूशन, मतलब अभी हमने जस्ट ऐसा कोई भी मैटर जो है पानी में गया है जो नाइट्रोजन कंटेंट को अपने पास रखे हुए। सेकेंड रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक अमोनिया, दैट रिप्रेजेंट अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, मतलब ऑर्गेनिक मैटर आपको डिकम्पोज हुआ नहीं। थर्ड रिप्रेजेंट नाइट्रेट्स क्या है, पार्टली डिकम्पोज, मतलब आपका ऑर्गेनिक मैटर जो है पार्टली डिकम्पोज हुआ है, थोड़ा बहुत डिकम्पोज हुआ है। नेक्स्ट इज नाइट्रेट में क्या है, फुल्ली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, मतलब सिंपल सा है कि अगर नाइट्रोजन कंटेंट है या अगर ऑर्गेनिक मैटर है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देर इज नाइट्रोजन कंटेंट, या फिर आप नाइट्रोजन कंटेंट है इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक मैटर है, मतलब कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर, राइट, प्रेजेंट इन वाटर, मतलब ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है वाटर में। ठीक है, अब फ्री अमोनिया और ऑर्गेनिक अमोनिया को मिला के जो बहुत सारे एग्जाम्स में हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन दोनों को कंबाइंडली हम लोग क्या कहते हैं, केजल्स नाइट्रोजन कहते हैं, राइट, केजल्स नाइट्रोजन। जो आपका फ्री अमोनिया है और आपका जो ऑर्गेनिक अमोनिया है, इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, केजल्स
थोड़ा स्पेलिंग गलत है, के जल्ट के डल्स, केजल्स अमोनी नाइट्रोजन, ठीक है, केजल्स नाइट्रोजन, मतलब ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि फ्री या फिर केजल्स नाइट्रोजन रिप्रेजेंट व्हाट, रिप्रेजेंट फ्री अमोनिया एंड ऑर्गेनिक अमोनिया, ठीक है। अब ये चार फॉर्म है, फ्री अमोनिया जो है ये रिसेंट पॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको आप मेजरमेंट कैसे करेंगे, अगर हम लोग मेजरमेंट एक एक करके देखें और उसका लिमिटेशन देखें हम लोग, तो फ्री अमोनिया का लिमिटेशन जो है ये शुड नॉट मोर देन 0.15 मिलीग्राम पर लीटर, फ्री अमोनिया 0.15 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग ऑर्गेनिक अमोनिया का देखें, दैट शुड नॉट बी 0.3 मिलीग्राम पर लीटर, 0.3 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नाइट्रेट्स नेवर मोर देन 0 मिलीग्राम पर लीटर, सॉरी नाइट्राइट्स 0 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए, एंड नाइट्रेट्स दैट शुड नॉट बी मोर देन 45 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। क्या बोला, फ्री अमोनिया 0.15 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होगा, ऑर्गेनिक अमोनिया आपका 0.3 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होगा, और नाइट्राइट्स आपका 0 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और नाइट्रेट्स जो है 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देखिए फ्री अमोनिया का मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो फ्री अमोनिया का मेजरमेंट बहुत आसान है, बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं, इधर इरेज कर दें, देखिए फ्री अमोनिया का मेजरमेंट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सिंपली बॉयल द वाटर, वाटर को सिंपली हम लोग बॉयल करेंगे, और बॉयल करने के बाद जो उसमें अमोनिया गैस रिलीज होगा दैट शुड बी मेजर्ड, है ना, एंड अमोनिया गैस रिलीज्ड बी मेजर्ड, मतलब क्या हुआ कि फ्री अमोनिया को हम लोग कैसे मेजर करेंगे, फ्री अमोनिया को हम लोग मेजर करेंगे, सिंपल है कि हम लोग जो वाटर हमको मिला रहेगा उसको हम लोग बॉयल करेंगे, बॉयल करने से जो अमोनिया गैस रिलीज होगा दैट गैस शुड बी मेजर, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस, जो डिस्टिलेशन आप करते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस, सो फ्री अमोनिया कैन बी मेजर बाय द डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, वाटर को गर्म करते हैं, वेपर जो बनता है उसको मेजर करते हैं, तो यहाँ पर क्या है आपको अमोनिया गैस को मेजर करना है, सो दिस मेथड इज नॉन एज डिस्टिलेशन मेथड। सेकेंड इज द ऑर्गेनिक अमोनिया, ऑर्गेनिक अमोनिया को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो ऑर्गेनिक अमोनिया को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्कलाइन वाटर लेते हैं, दैट शुड नॉट बी मोर देन 0.3 मिलीग्राम पर लीटर, इसमें क्या करते हैं हम लोग हाईली अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 पोटेशियम मैग्नेट, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं, हाईली अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको वाटर के साथ इसको ऑलरेडी बॉयल कर देते हैं हम लोग, ये ऑलरेडी बॉयल्ड करके फिर से हम लोग इसको बॉयल करते हैं, अगेन बॉयल्ड, एक बार हम लोग क्या किए सॉल्यूशन को जो लिए हैं उसको बॉयल्ड किए हुए हैं, बॉयल्ड करके उसके बाद उसको फिर वाटर में हम लोग मिला दिए, और वाटर में मिलाने के बाद फिर से वाटर को बॉयल करेंगे, वाटर को बॉयल करने के बाद जो अमोनिया गैस रिलीज होगा, अमोनिया गैस ये आप मेजर करेंगे, मेजर अमोनिया गैस, ये जो गैस मिलेगा इससे आपको ऑर्गेनिक अमोनिया का कंटेंट पता चल पाएगा, वाटर में ऑर्गेनिक अमोनिया कितना है, इस प्रकार से आप इसको मेजर कर सकते हैं। एंड दैट थर्ड इज नाइट्राइट्स, नाइट्राइट्स को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो नाइट्राइट्स को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सल्फोनिक एसिड लेते हैं, और सॉल्यूशन ऑफ सल्फोनिक एसिड एंड नेफ्थलीन सॉल्यूशन ऑफ सल्फोनिक एसिड और नेफ्थलीन हम लोग लेते हैं, और इस नेफ्थलीन के माध्यम से जो है हम लोग नाइट्राइट्स को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। एक्चुअली ये दोनों जो है प्रोसेस जो है हमारा मेजरमेंट ऑफ नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स, इनको हम लोग कलर मैचिंग टेक्निक से मेजर करते हैं, कलर मैचिंग टेक्निक,
इसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे नाइट्राइट्स के केस में क्या करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और नेफ्थलीन लिए, इसको हम लोग पानी में मिलाते हैं। पानी में मिलाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इससे एक कलर फॉर्म होगा। जो कलर फॉर्म होगा उस कलर को स्टैंडर्ड कलर के साथ मैच कराना है। क्या कर रहा हूँ मैं, नाइट्राइट्स के मेजरमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नेफ्थलीन का सॉल्यूशन लेते हैं और इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन का जो कलर ऑब्टेंड होगा उस कलर को स्टैंडर्ड अलग अलग कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्राइट्स के लिए जो कलर है उस कलर के साथ मैच करते हैं और उस कलर के साथ मैच होने के बाद आपको पता चल पाता है कि नाइट्राइट्स कितना है। और नाइट्रेट के केस में क्या करते हैं हम लोग, नाइट्रेट के केस में हम लोग क्या करते हैं, फेनॉल डाइसल्फोनिक एसिड सॉल्यूशन ऑफ फेनॉल डाइसल्फोनिक एसिड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि नाइट्रेट्स का मेजरमेंट के लिए सॉल्यूशन ऑफ फेनॉल डाइसल्फोनिक एसिड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के साथ मिक्स करते हैं, जिसका हमको मेजरमेंट करना है, जिसमें हम लोग को देखना है कि हमारा नाइट्रेट्स कितना है। फिर इसको फिर उसी प्रकार से इससे जो कलर फॉर्म होता है वो अलग अलग कंसंट्रेशन के लिए जो स्टैंडर्ड कलर होगा उस कलर के साथ मैच कराते हैं। जो मैच करेगा वो आपका पार्टिकुलर कंसंट्रेशन उस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में आपको पता रहेगा सर, तो उसके अनुसार आप नाइट्रेट्स पता कर सकते हैं। नाइट्राइड जो है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। नाइट्राइड्स एक्चुअली क्या है, दिस इज़ वेरी हार्मफुल। नाइट्राइड्स जो है ये वेरी हार्मफुल है, इस वजह से इसका कंटेंट किसी भी हाल में 0 mg/L से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सप्लाई वाटर में। नाइट्राइट्स आर वेरी हार्मफुल टू ह्यूमन बॉडी के लिए नाइट्राइट्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। सो इट्स कंटेंट शुड नॉट बी मोर देन 0 mg/L फॉर सप्लाई वाटर। एंड नाइट्रेट्स दिस रिप्रेजेंट द फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड। नाइट्रेट्स क्या है, ये जो है आपको रिप्रेजेंट कर रहा है फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड ऑर्गेनिक मैटर का, तो ऐसे तो कोई हार्मफुल इफेक्ट है नहीं, बट फिर भी इसका कंसंट्रेशन 45 mg/L से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सेस कंसंट्रेशन अगर नाइट्रेट्स मोर देन 45 mg/L हो गया या एक्सेस हो गया, एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट मे काउज या मे इफेक्ट इन्फेंट। क्या कह रहा हूँ मैं कि आपका जो नाइट्रेट्स है, ये नाइट्रेट्स एक्चुअली फुल्ली डिकम्पोज्ड है, पूरी तरह से डिकम्पोज्ड है, इसलिए ह्यूमन बॉडी पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका एक्सेस कंसंट्रेशन में है तो इन्फेंट को ये अफेक्ट करता है, बच्चे को ये अफेक्ट करता है और एक डिजीज क्रिएट करता है। दैट डिजीज इज नॉन एज ब्लू बेबी डिजीजेस। ओके, डिजीजेज। अब ये देखिए, ब्लू बेबी डिजीज कारण होता है, इसको केमिकली हम लोग बोलते हैं क्या, मेथेमोग्लोबिन मिया। तो इस बीमारी में होता क्या है, इस बीमारी में एक्चुअली ये होता है कि बच्चे का कलर डार्क हो जाएगा, है ना। अगर इसका हम लोग सिम्टम देखना चाहें तो क्या होगा, वोमिट, मतलब बच्चे वोमिटिंग करेंगे। क्या लिखा मैंने, इन्फेंट के लिए, सिर्फ बच्चे को ये अफेक्ट करता है। वोमिट हो सकता है, कलर मे बी डार्क, बच्चे का कलर डार्क हो जाएगा, कलर मे टर्न ब्लू, है ना, बच्चे का कलर क्या होगा, ब्लू हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, या फिर वॉमिट करेगा। और मे काउज ऑफ डेथ इफ द कंसंट्रेशन इज़ वेरी हाई, अगर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया तो बच्चे डेथ की तरफ जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, चार था मेजरमेंट कैसे किए। फ्री अमोनिया का मेजरमेंट बहुत आसान है,
इसमें क्या करते हैं, वाटर को हम लोग बॉयल करते हैं, बॉयल करने के बाद जो अमोनिया गैस रिलीज होता है उस गैस को हम लोग क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं, दैट विल रिप्रेजेंट द फ्री अमोनिया। ऑर्गेनिक अमोनिया क्या है, ऑर्गेनिक अमोनिया में आप वाटर को बॉयल जरूर करते हैं लेकिन हाईली अल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन आप डालते हैं, उस सॉल्यूशन में मिला के आप गर्म करते हैं और उसके बाद जो अमोनिया गैस रिलीज होता है दैट रिप्रेजेंट द ऑर्गेनिक अमोनिया। फ्री अमोनिया एंड ऑर्गेनिक अमोनिया कम्बाइंडली नॉन एज केजल्स नाइट्रोजन। केजल्स नाइट्रोजन क्या है, फ्री अमोनिया और ऑर्गेनिक अमोनिया के कम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं। नाइट्राइड्स क्या, दिस इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बींग, सो इट शुड नॉट बी मोर देन 0 mg/L एंड इट कैन बी मेजर बाय द कलर मैचिंग टेक्निक। कलर मैचिंग टेक्निक के माध्यम से इसको मेजर कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन ऑफ हम लोग क्या करते हैं, सल्फोनिक एसिड और नेफ्थलिन लेते हैं, उसको मिलाते हैं हम लोग उस वाटर बॉडी में या जिसको मेजर करना है सैंपल में मिलाते हैं, फिर उससे जो कलर प्रोड्यूस होता है उसको स्टैंडर्ड कलर से हम लोग मैच करते हैं और फिर इस प्रकार से नाइट्राइट्स का हम लोग कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं। नाइट्राइट के केस में दिस विल बी आल्सो मेजर विद द हेल्प ऑफ कलर मैचिंग टेक्निक बट द सॉल्यूशन विल बी चेंज। सॉल्यूशन अब जो होगा फेनॉल डाइसल्फोनिक एसिड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा, इनको हम लोग सैंपल में मिलाएंगे, उसके बाद जो कलर डेवलप होगा दैट कलर विल बी मैच्ड विद द स्टैंडर्ड सैंपल, उससे मिलाएंगे फिर हम लोग नाइट्रेट्स का जो आपका कंसंट्रेशन है उसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। नाइट्रेट्स रिप्रेजेंट फुल्ली ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर। यहाँ पर जब हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर जब सीवेज ट्रीटमेंट देखेंगे उसमें जब आप देखेंगे डिकम्पोजिशन, उसमें आपको मिलेगा कि जो नाइट्रेट्स कंपाउंड होते हैं जब फुल्ली डिकम्पोज होता है तो वो नाइट्रेट बनाता है। तो ये नाइट्रेट अगर बन जाए मतलब फुल्ली डिकम्पोज हो गया, ये ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है लेकिन एक्सेस अगर अमाउंट में है तो फिर ये बच्चे को प्रभावित कर सकता है, इसलिए हम लोग इसका वाटर सप्लाई में दैट शुड नॉट बी मोर देन 45 mg/L। अब देखिए, अब इसका यूज क्या था, आखिर ये टेस्ट क्यों हुआ। एक्चुअली जब हमारे पास बैक्टीरिया को मेजर करने का कोई हमारे पास साधन नहीं था, जब हम लोग बैक्टीरिया को फाइनली मेजर नहीं कर पाते थे या जो भी मतलब बायोलॉजिकल कंटेंट को हम लोग जब मेजर नहीं कर पाते थे वाटर में, तो हम लोग क्या करते थे, पहले नाइट्रोजन कंटेंट को मेजर करते थे। बिकॉज नाइट्रोजन कंटेंट कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड मे प्रोड्यूसर ऑफ द बैक्टीरिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है डिकम्पोज होगा उस क्रम में वो बैक्टीरिया को बनाते रहेगा, उसको हेल्प करेगा बनने में, उसके लिए फूड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो आपका क्या, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जो आपका बैक्टीरिया होता है उसके पास क्लोरोफिल होता नहीं है, क्लोरोफिल होने के नहीं वजह से वो अपना खाना बना नहीं सकता है, सो दे नीड ऑफ फूड्स, उसको फूड का ज़रूरत है और वो अपना प्रोडक्शन कैसे करता है, अपना डिवीजन कर करके प्रोडक्शन करता है। तो इस वजह से नाइट्रोजन कंटेंट जब मेजर हो जाता था तो इससे पता चलता था ऑर्गेनिक मैटर हमारे पास है और ऑर्गेनिक मैटर है इसका मतलब बैक्टीरिया का वहाँ पर कंसंट्रेशन हो सकता है, इसलिए हम लोग नाइट्रोजन टेस्ट करते थे। अब जो हमारा नाइट्रोजन टेस्ट होता है ये एक सिर्फ रेफरेंस होता है कि बैक्टीरिया है या नहीं है, सिर्फ ये जानने के लिए हम लोग नाइट्रोजन टेस्ट करते हैं और ये कंसंट्रेशन जो इसको मेंटेन करने के लिए भी हम लोग इस टेस्ट को करते हैं। सो इसलिए क्या है कि ये फ्रीक्वेंटली टेस्ट होना चाहिए नाइट्रोजन का, बिकॉज क्योंकि दैट कंसंट्रेशन में भी इंक्रीज और डिक्रीज, ये डिक्रीज और इंक्रीज हो सकता है क्योंकि ये डोमेस्टिक सीवेज से भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल सीवेज से भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोगों को हमेशा इसका टेस्ट करते रहना चाहिए। इस प्रकार से आप देखें कि नाइट्रोजन कंटेंट क्या है। अब नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम लोग देखते हैं मेटल्स। मेटल्स देखते हैं हम लोग। एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे मेटल्स हो सकते हैं और सरफेस वाटर में इसकी संभावना कम होती है, बट इन द केस ऑफ ग्राउंड वाटर के केस में मेटल्स का पाया जाना ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर मेटल में देखिए आपका आर्सेनिक हो गया, कैडमियम हो गया और मरकरी हो गया। ये तीन मेटल्स जो है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है बॉडी के लिए, मतलब ये किसी भी लाइफ को सपोर्ट नहीं करता, मतलब नॉट सपोर्ट एनी लाइफ, किसी भी लाइफ को सपोर्ट नहीं करता, मतलब
ह्यूमन के लिए या प्लांट्स के लिए या किसी भी केस के लिए ये बहुत ही हार्मफुल होता है, मतलब पॉइजनस मेटल है, दीज आर पॉइजनस मेटल, ठीक है। सो इसका कंसंट्रेशन 0.1 मिलीग्राम एच पर बी आई एस स्टैंडर्ड, ओके। दिस शुड बी आल्सो 0.01 है ना, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए एच पर आई एस बी आई एस कंसंट्रेशन। दिस आल्सो 0.01 मिलीग्राम पर लीटर एंड दिस इज मरकरी, तो एकदम बिल्कुल बिकम 0.001 मिलीग्राम पर लीटर। मैं आपको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, WHO स्टैंडर्ड अलग हो सकता है। तो आपका ये जो है ये कंसंट्रेशन आपका कभी भी इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये पॉइजनस है, ये कैंसर या अदर लीवर को, लीवर डिजीज को ये जनरेट कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, काउज हो सकता है। इससे मेन चीज़ जो हम लोगों को जानना है दैट इज फ्लोराइड, मेन जो आपका मेटल्स में है जो जिससे हमेशा आपको प्रश्न पूछे जाते हैं दैट इज फ्लोराइड। फ्लोराइड मैंने पहले भी कहा कि जो आपका मेटल्स है ये सरफेस वाटर में इसकी संभावना बिल्कुल ही कम होती है, जब तक कि किसी ऐसे इंडस्ट्री से वाटर नहीं आ रहा हो जहां पर इन पार्टिकुलर मेटल से संबंधित काम होता, ठीक है। तो फ्लोराइड क्या है एक्चुअली, फ्लोराइड जो है आपको ग्राउंड वाटर सरफेस में ज़्यादा मिलता है, ग्राउंड वाटर सोर्सेस में ज़्यादा मिलता है, और ये इंडिया के लिए खास करके जो आपका बांग्लादेश से कनेक्टिंग एरिया में क्या होता है कि फ्लोराइड बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर में मिलता है। एक्चुअली फ्लोराइड का जो अगर रेंज देखें हम लोग, तो इसका रेंज अगर हम लोग देखें दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 1.5 एंड 1 लिखते हैं, ये 1.5 WHO कहता है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कहता है। एज पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द वैल्यू द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड शुड नॉट मोर देन 1 ppm, और एज पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दिस शुड नॉट बी मोर देन 1.5 मिलीग्राम पर लीटर और ppm। एक्चुअली क्या है, इसके ज़्यादा पाए जाने से फ्लोरिसिस का जो फ्लोरिसिस डिजीज है उसको ये प्रोड्यूस करता है, फ्लोरिसिस इसके वजह से होता है, दिस इज अ डिजीज। फ्लोरिसिस में होता है एक्चुअली क्या है, फ्लोरिसिस बहुत सारा होता है, टीथ फ्लोरिसिस होता है, बोन फ्लोरिसिस होता है, दो प्रकार का फ्लोरिसिस मेनली है, टीथ फ्लोरिसिस और बोन फ्लोरिसिस। टीथ फ्लोरिसिस का कहने का मतलब है टीथ आपका मोटलिंग हो जाएगा अगर आपका इसका कंसंट्रेशन इज मोर देन 1.5 मिलीग्राम देन देर इज मोटलिंग ऑफ टीथ और टीथ एंड बोन। अगर कंसंट्रेशन 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है तो टीथ या फिर बोन में मोटलिंग का समस्या हो सकता है और दैट इज नॉन एज फ्लोरिसिस, उसको हम लोग फ्लोरिसिस कहते हैं। अगर आपका 1 to 1.5 है मिलीग्राम पर लीटर है तो क्या है कि दैट विल काउज ऑफ टीथ कैविटी और डिसकलरेशन ऑफ टीथ का डिसकलरेशन होगा। अगर आपका 1.5 से या 5 मिलीग्राम से बहुत ज़्यादा हो जाए, अगर मान लो ऐसा लिख दें हम लोग कि मोर देन 5 मिलीग्राम पर लीटर या 1.5 मिलीग्राम पर लीटर देन मे काउज ऑफ बोन मोटलिंग। मैंने यहाँ ऐसे लिख ही दिया है 1.5 से ज़्यादा, 5 तक बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज पर BIS स्टैंडर्ड और 1.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज पर WHO। अगर हम लोग सप्लाई वाटर का बात करें तो सप्लाई वाटर जो है इसके लिए 0.7 to 1.2 के बीच हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग फ्लोराइड कंटेंट को रखें, अगर कहीं फ्लोराइड मिलता है तो, अगर नहीं मिलता है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर फ्लोराइड कहीं मिलता है देन यू शुड हैव टू पुट इन बिटवीन 0.7 to 1.2 मिलीग्राम पर लीटर। लेकिन अगर बात करें कि मैक्सिमम लिमिट का बात करेंगे एज पर BIS तो 1
और WHO के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे तो दिस विल बी 1.5, उससे ज़्यादा होगा तो फिर बच्चों में आपका टीथ कैविटी या फिर फ्लोरेसिस का प्रॉब्लम हो सकता है, दैट में भी टीथ और बोन फ्लोरेसिस। इस प्रकार से आप मेटल्स के बारे में समझ लिए हैं। हम लोग देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नया टॉपिक और उसमें हम लोग बात करेंगे अलग अलग, जैसे BOD क्या होता है या डिजॉल्व गैसेस क्या होता है, इस संबंध में हम लोग बात करेंगे।